हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टेट निकेतन। स्टेट निकेतन में आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2019 के बेस्ट करेंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। शहीदों और सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए देश भर में हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है जी, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। चलिए, आप इस महीने में अब तक जो भी इम्पोर्टेंट डेट आया है उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। मैं अगले दिन करवाऊंगा आपको। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सौगात देते हुए लीव ट्रैवल कंसेंसन LTC को मंजूरी दे दी है? तो ये जम्मू कश्मीर ने दिया है जी। अब जम्मू कश्मीर चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो आप याद रखेंगे LTC दिया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, माथुर जी हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। बीते दिनों किसने देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का शुभारम्भ किया है? तो ये केंद्र सरकार ने किया है जी शुरू। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। आप मुझे बताइए कि इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? बीते दिनों किसने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT प्रणाली के अंतर्गत 2400 घंटे लेन देन की अनुमति दी है? तो ये अनुमति RBI ने दिया है जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। संपत्ति विवाद महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध से निपटने के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है? तो ये है जी अबरडीन पुलिस थाना। कहाँ पर है ये? ये है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, दूसरे स्थान पर है बालसीनोर थाना, गुजरात का है, और अजक बहरानपुर का है जी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। बीते दिनों NTPC ने किस बैंक के साथ 5000 करोड़ रुपये के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है जी SBI के साथ, भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया है NTPC ने। NTPC का पूरा नाम जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, गुरदीप सिंह हैं अध्यक्ष और MD, और रजनीश कुमार हैं SBI के अध्यक्ष। बीते दिनों किसे लोक सेवा 2019 के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स ET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये हैं स्वर्गीय अरुण जेटली। ये हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे। इसके अलावे इन्होंने कई और मंत्रालय जैसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बीते दिनों ADC ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम हवाई में आयोजित प्रशांत क्षेत्र वायुसेना प्रमुख परिचर्चा 2019 में किसने भाग लिया? तो ये अपने देश के RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भाग लिया जी। ये कौन है? ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल बिपिन रावत। जल सेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। ठीक है, विषय इस बार का था क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण। तो आप विषय भी याद रखिए और सारे सेना अध्यक्ष के नाम भी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारत और पुर्तगाल सरकार के द्वारा समुद्री अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात के लोथल में किया जाएगा जी। ठीक है, गुजरात के लोथल में किया जाएगा पहले संग्रहालय का स्थापना। चलिए, बात गुजरात की आई है तो राजधानी गांधीनगर, 33 जिले यहाँ हैं जी। राजभाषा गुजराती है। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। आप मुझे बताइए कि गुजरात से पहले ये कहाँ के राज्यपाल रहे थे? मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। और विधानसभा में 182 सीटें हैं जी, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ के गुजरात उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है। बीते दिनों किस बैंक ने बैंक बीमा उत्पादों को बेचने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये KVG बैंक है जी। ठीक है, KVG बैंक का पूरा नाम बता दूं मैं आपको, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है,
और इस बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुआ था और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय है कहाँ, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं पुट्टुगंती गोपी कृष्णा, तो आप ये याद रखेंगे। बीते दिनों किस अमेरिकी स्टार को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं जोकिन फिनिक्स, इनका एक्चुअली पूरा नाम जोकिन राफेल फिनिक्स है, ठीक है। पेटा का पूरा नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और ये जोकर नाम से प्रसिद्ध हैं जी, ठीक है। इनका एक पिक्चर भी आई है जोकर। बीते दिनों भारत और किस देश के बीच मेघालय के उमरोई में 8वें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किया जा रहा है, तो भारत और चीन के बीच में होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप स्टडी निकेतन के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आज मैं रिवीजन नहीं करवा रहा, आप खुद से कीजिए और अब जवाब लीजिए सवाल 228 का। बीते दिनों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किस राज्य के देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो ये मध्य प्रदेश के शहर है जी देवास, और वहाँ पर अवंती मेगा फूड पार्क उद्घाटन किया गया। कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भोपाल राजधानी है। आज का सवाल, सवाल 229, बीते दिनों किसने कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर तेलुगु में एक पुस्तक तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस जारी किया है, तो आप इसका आंसर बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।